लेनी ट्रम्प के पावर में आने के बाद अब कोई खौफ नहीं रहा ना इंडिया को ना रशिया को रशिया तो हाँ, युक, की जो वार चल रही है तीन साल हैं तीन साल के बाद मतलब आ रहे हैं अच्छा और टाइटल जो है प्रशांत धवन का वीडियो हम देखने वाले उन्हीं को जाएगा वीडियो का

उसके पहले भी इंडिया रशिया का जो समिट था ये भी काफी बार पोस्टपोन कर दिया गया जब से यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई थी व्लादिमीर पुतिन एक बार भी भारत नहीं आए एक हजार दिन से भी ऊपर हो चुके हैं कि रशियन प्रेसिडेंट इंडिया नहीं आए इसके पीछे एक बहुत बड़ा इशू यही था कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज बहुत जरा बुरा मान जाते कि इंडिया होस्ट कर रहा है व्लादिमिर पुतिन को मगर अब ये न्यूज कंफर्म हो चुकी है कि व्लादिमिर पुतिन भारत में आ रहे हैं और इंटरेस्टिंगली एक और मैं सेपरेट न्यूज है इसके बारे में भी आपको बता दूं मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी कि यूक्रेन ने छः अमेरिकन मिसाइल्स ये मारे हैं डीप रशियन टेरिटरी के ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं और अगेन दुनिया को ये भी काफ़ी हद तक पता है कि इस टाइप के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूक्रेनियन सोल्जर्स अपने आप लॉन्च नहीं कर सकते डेफिनेटली यूएस सोल्जर्स कहीं ना कहीं ग्राउंड पे मौजूद हैं और हेल्प कर रहे हैं कि रशिया को डीप आप हिट करो नाव रशिया देखिए इन सब मिसाइल्स को शूट डाउन कर चुका है एस फोर हंड्रेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपनी जो पावर है दिखाई है अब उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि रशिया का रिटेलिएशन आने वाला है बताया जा रहा है इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में बहुत ज़्यादा डर का माहौल है हर जगह अलार्म बज रहे हैं यू की जो एम्बेसी है कीव में इन्होंने भी खुद को शट डाउन कर लिया है अपने थोड़े बहुत जो भी डिप्लोमैट्स थे इनको अंडरग्राउंड कर दिया है क्योंकि माना जा रहा है कि रशिया बहुत ही बड़े स्केल पर एयर स्ट्राइक्स करने वाला है ऑल ओवर यूक्रेन प्राइमरली जो इनकी कैपिटल है कीव उसको तो ये बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बॉम्ब करने वाले हैं mm. और यूएस समेत कई पश्चिमी देशों ने अपने नागरिकों के लिए एक इमरजेंसी मैसेज भी रिलीज किया है यहां पे आप देख पाओगे ये मैसेज है फॉर यूएस सिटीजन इन यूक्रेन यहां पे लिखा है यूएस एम्बेसी इन रही है कि सिक्योरिटी अलर्ट है यूएस एम्बेसी इन कीव के इनके पास एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आई है इनको जानकारी मिली है कि बहुत ही बड़े स्केल पर एयर अटैक होने वाला है ऑन नवंबर ट्वेंटी और साथ ही साथ इन्होंने अपने सिटीजन को भी कहा है कि बी प्रिपेयर टू इमीडिएटली शेल्टर इन एन इवेंट एन एयर अलर्ट इज अनाउंस्ड सिमिलरली इटली फ्रांस जर्मनी सारी जो एम्बेसीज हैं इन यूक्रेन ये इस वक्त शट डाउन हो चुकी हैं और अपने सिटीजन को यही कह रही हैं कि बिल्कुल ध्यान रखना ह्यूमंगा स्केल पर बॉम्बिंग हो सकती है ऑल ओवर यूक्रेन और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि इससे अब दिखता है कि रशिया कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है आप एक बात नोट करिए यूक्रेन ने रशिया को हिट किया उसके बाद से ना रशिया ने यूक्रेन पर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट कर दी

जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी संभालेंगे यूएस की वो दिन करीब आता जा रहा है ये अब दुनिया को कह रहे हैं कि देखिए हम हार सकते हैं ये वॉर क्योंकि ट्रंप के आने के बाद जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमको मिला करते थे वो नहीं मिलेंगे तो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि बिना यू एड के हम ये वॉर हार जाए रशिया को साफ साफ दिख रहा है विक्ट्री इज स्लोली कमिंग नियर देम और इसीलिए अब जिन कंट्रीज़ को व्लादिमीर पुतिन ने विज़िट नहीं किया था जब से ये वॉर स्टार्ट हुई थी जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है इंडिया इंडिया रशिया का समिट हुआ पुतिन आए नहीं एक बहुत बड़ी बात थी तो अब वो सारी विजिट्स जो पहली पेंडिंग थी ना अब रशिया कह रहा है कि हम वो सारी विजिट्स भी कंप्लीट करेंगे आप कॉन्फिडेंस देखिए इस वक्त रशिया का ये लोग मान के चल रहे हैं कि आने वाले तीन चार सालों में अब जो इन्होंने प्लान कर रखा है वही होगा कोई ज़्यादा सरप्राइजेज नहीं आने वाले और ये जो अनाउंसमेंट है ना क्रेमलिन की जहां पर रशिया की सरकार बैठती है जहां पर इन्होंने बोला कि बिल्कुल व्लादिमिर पुतिन भारत में जाएंगे पूरे दुनिया का मीडिया चाहे ब्रिटिश मीडिया यूएस मीडिया एशियन मीडिया सब लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि रशिया पुतिन प्लान इंडिया ट्रिप डिफाइंग यूएस लेड एफर्ट्स टू आइसोलेट हिम hmm. जो बाइडन के अंडर यूएसए ने जो भी कोशिश करी थी कि ये आइसोलेट कर देंगे रशिया को अकेला कर देंगे एवरीथिंग हैज फेल्ड और इंडिया में देखो इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है पुतिन का एक टारगेट है व्लादिमिर पुतिन एक मिशन के रूप में देखते हैं इंडिया को कि इंडिया के साथ इवेंचुअली रशिया के 2030 तक अब 2025 स्टार्ट होने ही वाला है गिनती के पाँच साल बचे हैं रशिया चाहता है कि भारत और रशिया के बीच में हंड्रेड बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हो और इसके लिए क्या चाहिए आप लोग समझ सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्लादिमिर पुतिन का भारत में आना और अब ओपनली समिट जो होते रहे इंडिया रशिया के ये वापस रीस्टार्ट होना इससे एक क्लियर रास्ता खुल जाता है कि इंडिया रशिया खुल के बात करेंगे कि देखिए हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे साइन कर सकते हैं कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो इंडिया ओपनली बेच सकता है रशिया में बिना किसी टैरिफ के सेम केस रशिया का होगा कि रशिया के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन मार्केट में आ सकते हैं बिना टैरिफ के जिससे दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के प्रोडक्ट्स इतने परचेज करें कि ट्रेड हंड्रेड बिलियन डॉलर तक पहुँचे जो अभी के लिए बाय द वे सिक्सटी से लेकर सिक्सटी फाइव बिलियन डॉलर तक का है मगर इसमें जैसे आप लोग जानते हैं बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है क्रूड ऑयल का ट्रंप के आने के बाद से एक जो तकलीफ पुतिन को ये होने वाली है कि ट्रंप यूएसए को बना देंगे एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर क्रूड ऑयल का ट्रंप जब अपनी पहली टर्म में आए थे उस वक्त भी इंडिया ने बहुत सारा कच्चा तेल यूएसए से परचेज किया था इस पर्टिकुलर केस में भी आप अगर देखो ट्रंप अगेन ट्रंप चाहे रशिया पर यू you नो know, सैंक्शंस नहीं लगाएंगे एडिशनल और पुतिन को अकेला करने की कोशिश नहीं करेंगे मगर बिजनेस में ट्रंप रशिया को कंपटीशन देंगे कि इंडिया के साथ जो आपका ट्रेड है ना जो ये सिक्सटी बिलियन डॉलर्स का है ये गिर भी सकता है क्योंकि इंडिया को हम ज्यादा सस्ते रेट पर एक बार को क्रूड ऑयल दे सकते हैं बिल्कुल ट्रम्प के टाइम में अगर कोई वॉर नहीं होती तो कच्चे तेल के दाम बहुत ज्यादा गिर सकते हैं कैन वेरी मच हैपन और कई लोग एक्चुअली ये भी पूछ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या यहाँ पर चाइना की पॉलिसी भी चेंज हो रही है चाइना भी इंडिया के प्रति अब और ज़्यादा फ्रेंडली दिख रहा है आप एक बात नोट करना मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी कुछ ही महीने पहले राजनाथ सिंह जी जब चाइना के रक्षा मंत्री से मिले थे तब दोनों ने हाथ भी नहीं मिलाए थे इंडिया ने सीधा नमस्ते करी थी और बताया गया था कि इंडिया का बहुत ही कोल्ड जेस्चर है टुवर्ड्स चाइना आज के समय दोनों हाथ मिला रहे हैं इंडिया ने ओपनली कहा है गलवान जैसे इंसिडेंट्स हमको नहीं चाहिए चाइना ने कहा है कि बिल्कुल कॉपरेशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि चाइना को बताया चाइना पर चालीस परसेंट टैरिफ लगने वाले हैं साठ परसेंट का अनाउंसमेंट हुई है वैसे मगर बताया जा रहा है कि ट्रंप आते ही चाइना पर 40 परसेंट के टैरिफ लगाएंगे जिससे चाइना की इकोनोमी को बड़ा झटका लगने वाला है mm. तो एवरीथिंग इज चेंजिंग मतलब आप अगर इंडियन परस्पेक्टिव से देखो ना तो ये एक गोल्डन पीरियड आने वाला है भारत के लिए जहां पर तेल सस्ता होगा व्लादिमिर पुतिन या फिर कोई भी वर्ल्ड लीडर आराम से भारत में आ पाएगा कोई हमें चिंता नहीं होगी कि किसी को बुरा ना लग जाए और इवन चाइना विल बिकम मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया एक पाकिस्तान को लेकर मैं चिंतित हूँ पाकिस्तान थोड़ा सा वाइल्ड हो सकता है क्योंकि यूजुअली रिपब्लिकन्स के अंडर पाकिस्तान की मिलिट्री थोड़ी सी एडवेंचरस पॉलिसीज अपनाती है बाकी उस सब के अलावा थिंग्स विल बी ग्रेट फॉर इंडिया और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल देखिए भारत की एक हैवी कॉम्बिकेशन चले तो नहीं आप नहीं इसका जवाब दें और बाकी यार पाकिस्तान को लेकर जो उन्होंने बात की है ना प्रशांत धवन भाई ने मेरे ख्याल में यार पाकिस्तान को आर्मी को पाकिस्तान की कोई ये समझ जाना चाहिए और सबको मतलब पूरे पॉलिटिशियन को पूरे एजेंसीज को कि यार विदाउट इंडिया जो है ना आप नहीं नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा आपका क्योंकि आपने बहुत करके देख लिया इतने टाइम से लगने लगी है ना काफी कुछ अब चाइना पे भी आते हैं लेकिन पहले पाकिस्तान की बात कर लेंगे पाकिस्तान के ऊपर बात हो रही है तो इनको पहले ना थोड़ा सा क्या नाम है के सोचना पड़ेगा और अब देखें कि इंडिया के साथ अगर मिलकर चलते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है और दोनों देश जो है वो श्योर करें कि एक दूसरे की जो टेरिटरी है वो एक दूसरे के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं हो गए ठीक है सबसे पहली बात फिर जो मुद्दे हैं जो कुछ इश्यूज हैं बहुत सारे इश्यूज इशूज इतने बड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन उसके ऊपर टेबल लॉ की जाए कुछ अपनी स्ट्रेटजीज जो हैं दोनों को मिलकर बनानी चाहिए और मिलकर दुनिया को एक एग्जांपल देनी चाहिए कि भाई वी वर द पार्ट ऑफ इंडिया हम इंडिया का हिस्सा थे हम 1947 में अलग हो गए ठीक है लेकिन उसके बाद जो है अब हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम कैसे मिलकर चलते हैं और इससे दोनों देशों की इकोनॉमी इंडिया को तो बहुत कम फर्क पड़ेगा लेकिन पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का बहुत, बहुत तो बेनिफिट है इसमें बिल्कुल बाकी ये है कि जब चाइना और इंडिया के बीच में बर्फ जो है वो पिघल सकती है तो आ, जितना टेंशन पाकिस्तान और इंडिया की रही है ना इतनी ही तकरीबन चाइना और इंडिया की भी है आ, भिल्कुल। ठीक है इससे थोड़ी आप कह लें कि टेन परसेंट कम होगी कुछ लेकिन है तो सही ना थी, थी तो सही तो मतलब दोनों की तो थी ना तो अब जो चीज़ है वो ये है कि अब बेहतरी की तरफ जाना चाहिए अब देखें पुतिन जो है वो आ रहे हैं इंडिया, इंडिया में तो ये भी एक न्यूज है आप देख लो कि अमेरिका हुँ। ने सोचा था कि रशिया को हम जो है सेपरेट करके रख देंगे बाउंड कर देंगे लेकिन आप ये देखो कि अभी आ, ब्रिक्स के बाद ब्रिक्स में गए थे कजान में इंडियन मतलब जो है अब वो मतलब वो आ रहे हैं उनके पे जो है मतलब पुतिन पुतिन बिल्कुल वो आ, हाँ, आ रहे हैं तीन सालों के तो बाद आ रहे वो भी यूक्रेन और रशिया वार तो के बाद तो के बाद। ये चीजें अब सोचनी पड़ेगी देखना होगा कि भाई हमने भी मिलकर चलना है तभी बेहतरी है बिल्कुल अच्छा पुतिन इसलिए इंडिया नहीं आए ताकि इंडिया के ऊपर लोगों का शक ना जाए कि इंडिया भड़का रहा है रशिया को के, के, ने, ने के ये देखें जी कोई भी देश जो है ना वो हुँ, अब हुँ। अब देखो कि हर देश की ये इंटीरियर जो मैटर होते हैं ना वो उन्होंने खुद सॉर्ट आउट करना भिल्कुल, होता भिल्कुल। है बिल्कुल ठीक है लेकिन जहाँ तक रिलेशंस की बात है कि दोनों देशों के बीच में या ये जो हमारा रशिया और इंडिया सब कॉन्टिनेंट है स्पेशली इसकी आपस में रिलेशन अगर अच्छे होते हैं तो ये पूरे खिते के लिए एक बड़ी अच्छी बात है, है। यूक्रेन तो अपने मुंह से कह रहे हैं जंग में हार हे तो यूक्रेन कभी भी नहीं जीत सकता।, सकता बिल्कुल ट्रम्प के आने के बाद जो फैसले होने ना वो देखने वाले के आते कौन कौन से फैसले होने चले बाकी ये है कि अभी आते हैं नेक्स्ट वीडियो में वापस आपके क्या विचार हैं कमेंट कीजिएगा और रखिएगा अपना ख्याल